हे गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। वापस हो चुके फिर से नए फ्रेश वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास चार पेन्स हैं यहाँ पे, जो कि 50 रुपये के अंदर बेस्ट फाउंटेन पेन्स आप बोल सकते हो मार्केट में, और सारे ही अलग अलग ब्रांड्स के हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले झट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो चैनल पर आती रहेगी। पहले हमारे पास जो फर्स्ट फाउंटेन पेन है वो है ऑक्टेन का क्लासमेट वाला। तो ये फाउंटेन पेन भी बहुत ज़्यादा बिका है, क्योंकि डिज़ाइन वाइज बहुत ज़्यादा तगड़ी लगती है दिखने में। और अगर साइड से बात करें तो कॉर्नर वाइड से भी, दोनों साइड से आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और ये भी 50 रुपीज़ के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत तगड़ा लगा। डिज़ाइन वाइज मुझे ये बहुत पसंद है। सेकेंड की अगर बात करें तो ये है मोंटेक्स के साइड से आने वाला, मोंटेक्स का हैंडी। तो ये पेन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा मार्केट में, मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी रखी हुई है। मैं सारी ही पेन्स के अनबॉक्सिंग वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये भी पूरा आपको कार्टूनिस्टिक डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा सन वगैरह बना हुआ है और यहाँ पे भी डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, मोंटेक्स भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत सही लगता है कि अगर किसी भी टाइप का कार्टूनिस्टिक डिज़ाइन लगता है तो आप वो पहले ही कस्टमर को इम्प्रेस कर लेता है। तो देन अगर बात कर ले थर्ड पेन की, तो ये आप लोगों को पता होगा न्यू वाला जो है हमारे पास हॉसर का इंक्स। तो ये भी 50 रुपीज़ के अंदर मुझे लगता है ये चारों ही पेन्स में, अभी तक जबकि मैंने टेस्ट नहीं किया हैंड राइटिंग, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये चारों पेन्स में ये सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ऐसा फाउंटेन पेन नहीं देखा था 50 रुपये के अंदर। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इसकी भी मैं आई बटन दे दूंगा अनबॉक्सिंग वीडियो। देन सबसे लास्ट पेन हमारे पास फ्लेयर का इंकी, जो कि इस पेन को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं टेस्टेड पेन है ये। तो ये पेन बहुत मतलब मिलिट्री लेवल टेस्टेड मैंने इसको किया हुआ है, तो इसके लिए ये पेन बहुत ज़्यादा तगड़ी है और ये पेन भी बहुत तगड़ी चलती है। चार ब्रांड्स के पेन है हमारे पास, फर्स्टली जो है वो है क्लासमेट, सेकेंड जो है हमारे पास मोंटेक्स, थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास हॉसर, देन यहाँ पे है फ्लेयर। तो आपको चारों ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे फ्लेयर और हॉसर एक तरह से बोल सकते हो सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर ही लाती है हॉसर को, लेकिन फिर भी अलग ब्रांड है हॉसर। तो अब बात करेंगे हम सारे पेन्स की बिल्ड क्वालिटी पे, प्रोज कॉन्स में किस में क्या। तो मैंने चारों ही पेन्स को यूज़ किया, तो क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आती है इन सब टाइप के फाउंटेन पेन में, उसी के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि आपके 50 रुपीज़ बर्बाद नहीं जाने चाहिए कोई फाउंटेन पेन को खरीदने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्टेन के बारे में। तो ऑक्टेन तो वैसे बहुत तगड़ी फाउंटेन पेन है, क्योंकि अगर आप इसकी निब की बात करो तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाइनी निब बना गया है यहाँ पे। इसकी ग्रिपिंग भी आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, जब आप लिखते हो तो ग्रिपिंग बहुत मदद करती है आपके हैंडराइटिंग को अच्छे बनाने में। तो ये सब के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको क्लासमेट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि क्लासमेट का ये फाउंटेन पेन बहुत तगड़ा होता है, तो इसमें किसी भी टाइप का उल जुलूल सा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जितने भी पेन्स हैं आपको सबके साथ यहाँ पे दो इंक टैंक्स देखने को मिल जाएंगे, एक तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, एक साइड में बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हो। तो सारे ही में आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी में आपको नहीं मिलता, जितने भी पेन्स हैं यहाँ पे सब में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोंटेक्स को जब ही मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया होता, तो इसका जो ये कैप था ये पूरा लूज़ है, मतलब ये सही से फिट नहीं बैठता। तो जब भी आप पेन परचेस करो, तो मोंटेक्स का जब पेन परचेस करोगे, मेरे वाले पीस में ये ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण से निब से इंक वगैरह निकल जाती है कैप के अंदर, आप दिख रहा होगा अगर तो, और यहाँ पे पूरी इंक यहाँ पे भी लग जाती है, हाथ पे भी लग जाती है। तो जिसके कारण से इसीलिए मैंने इस वीडियो में बोला था कि कैप टाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लॉक हो जाता है कैप तो इंक बाहर नहीं आती, बट यहाँ पे ये कैप लगता ही नहीं है। तो मैंने वो ट्रांसपेरेंट वाले टेप से इसको पूरा बंद करके रखा हुआ था इसके लिए। बाकी इसमें प्रॉब्लम यही थी कि इसका ये कैप लॉक नहीं होता, बाकी हैंडराइटिंग बहुत तगड़ी प्रोवाइड कराता है ये भी, और जल्दी सूख भी जाती है इसकी इंक, तो ये मुझे बहुत सही लगा। और प्लस इसकी इंक जल्दी उड़ती भी नहीं है मोंटेक्स की हैंडी की। अकॉर्डिंग टू प्राइस हैंडी भी बहुत तगड़ी पेन है। देन यहाँ पर अगर हम थर्ड वन की बात करें, तो हम यहाँ पर पहले फ्लेयर की बात करते हैं। तो फ्लेयर का इंक भी बहुत तगड़ा पेन है, और जिस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी को बनाया गया है, मतलब अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह का भी यूज़ किया गया है, देखो यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, और जिस हिसाब से आप यहाँ पे इंक देख सकते हो लगी हुई, उस हिसाब से आप इसके यूजेस का अंदाजा लगा सकते हो, बहुत तगड़ी यूज़ हुई है ये पेन। फिर भी आपको लिखने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पेन बहुत ज़बरदस्त चलती है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी निकल के आती है, और इंकी में जो प्लास्टिक का क्वालिटी यूज़ किया गया है, जो कि फाइबर जो यूज़ किया गया वो भी आपको प्रीमियम सा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो निब भी, फ्लेयर यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है निब के ऊपर ही, तो ये सब चीज़ एक फाउंटेन पेन को अच्छा बनाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप किसी भी पेन को लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, लाइक वो कोई फाउंटेन पेन ही हो या बॉल पेन हो या जेल पेन हो, तभी आपको उसकी मेरिट डिमेरिट पता चलती है, या क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है वो आपको पता चलता है। देन यहाँ पे बात करेंगे हॉसर के इंक्स के बारे में। तो यहाँ पे इंक्स का जो पाइट वाला पेन है, ये अभी तक का मुझे सबसे ज़बरदस्त पेन लगा, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया गया है, लाइक यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपके हाथों पे इंक नहीं लगेगा, आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, तो उस हिसाब से मुझे ये पेन बहुत ज़बरदस्त लगा। प्लस यहाँ पे जो देख सकते हो आप ट्रांसपेरेंट यहाँ पे टैंक प्रोवाइड कराया गया, लाइक इंकी ही के टाइप में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मतलब कैप में, लेकिन ये सब फीचर्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक हैंडी में और ऑक्टेन में, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों को ही छुपाया गया है। प्लस इसकी डिज़ाइन जो है वो बहुत तगड़ी लगती है, इसमें आपको मार्बल वाला भी एक एडिशन शायद देखने को मिलता है,
अगर ऐसा होगा तो मैं उसकी भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मार्वल का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप लोग जरूर बता सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कि आप मार्वल का कौन से कंपनी का ऐसा पेन है कि मार्वल का एडिशन निकला हुआ है उसका और वो मिल जाता है। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं इन फ्यूचर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊं। तो हमने सोचा है कि 3K सब्सक्राइबर्स पे हम रखेंगे Q&A, और Q&A इस टाइप से रखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ टाइम का लिंक मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाना है आपको, फॉलो करना है, मैसेज करना है, जो भी आपके मन में डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो कि आप लोगों को पूछना चाहते हो मुझसे, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और जितने भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उनको मैं सॉर्ट आउट दूंगा वीडियो में, क्योंकि 3K होने के बाद मैं Q&A वीडियो निकालूंगा उसी के ऊपर, और देन उस वीडियो में मैं सबको, जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा, सबको सॉर्ट आउट मिलेगा। तो जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं बाय लुक कौन सी पिन आपको सबसे ज़बरदस्त देखने को मिलती है, फ्लेयर किंग की, ऑक्टेन, या पे मॉन्टेक्स, या फिर पायरेट्स का इंक, या फिर जो भी है हॉसर का इंक्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डिज़ाइन वाइज हैंडल भी कम नहीं लगती है, लेकिन मैं बोलूँगा प्रीमियमनेस के मामले में यहाँ पे ऑक्टेन ज़बरदस्त लगता है, और यहाँ पे हमारा हॉसर जो है ये। तो मैं दो पेन्स को यहाँ पे चुनूंगा जो कि ज़बरदस्त लगती है दिखने में, एक तो ऑक्टेन एंड दूसरा है हमारे पास हॉसर का पायरेट्स वाला एडिशन वो। तो ये दोनों ही पेन्स बहुत ज़बरदस्त लगती है बाय लुक, और हैंड फील भी बहुत तगड़ी है। बाकी यहाँ पे हैप भी थोड़ा सा निकल के आता है हमारा हॉसर वाला, ये थोड़ा सा भारी है इन कंपेरिजन टू ऑक्टेन। तो हो सकता है इंक टैंक के कारण, क्योंकि इसमें लार्ज इंक टैंक यूज़ किया गया था, जैसा कि उन्होंने बोला था 33% वो एक्स्ट्रा इंक प्रोवाइड करा रहा है, तो हो सकता है वो 33% के कारण ही ये थोड़ा हैवी निकल के आता है। तो हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे राइटिंग टेस्ट कंप्लीट। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे किया है चारों पेन्स को राइटिंग टेस्ट, सोचा आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्टली हमारे पास है क्लासमेट का ऑक्टेन वाला, जो क्लासमेट का ये है इसकी राइटिंग, और आप देख सकते हो कि ये भी आपको अच्छा खासा डार्क देखने को मिलता है। सेकेंड जो राइटिंग है वो है हमारे पास इंक्स की, जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा बोल्ड राइटिंग आप बोल सकते हो चारों में, यहाँ पे इंक्स की ही है। और ये एक तरह से बोल सकते हो जब आपको अगर कोई डार्कनेस दिखानी हो तो आप इंक्स का पेन बहुत यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सबसे यहाँ पे मोटा राइटिंग आप बोल सकते हो यहाँ पे हॉसर के इंक्स का ही है। देन यहाँ पे थर्ड वन है क्लासमेट को इग्नोर करना, ये फ्लेयर की इंक की थी, और देन यहाँ पे है मॉन्टेक्स का हैंडी यहाँ पे ये वाला। तो आप बोल सकते हो चारों पेन्स की हैंड राइटिंग बहुत तगड़ी होती है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि चारों में से कौन सा पेन परचेस करें, तो गाइज यहाँ पे जो चारों पेन्स हैं वो आपको ज़बरदस्त मिलते हैं, क्योंकि चारों ज़बरदस्त हैं, कोई भी परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनलाइज एक पेन परचेस करना है तो यहाँ पे आप हॉसर पे इंक्स पे जा सकते हो, ये बाकी यहाँ पे इंकी भी बहुत तगड़ी है, मॉन्टेक्स भी बहुत तगड़ा है, और क्लासमेट का ऑक्टेन के भी कुछ कहने नहीं है। तो चारों पेन्स बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग के रीजन में जो पेन मिल जाए, लाइक मैं डिस्क्रिप्शन में चारों पेन्स के लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर परचेज कर सकते हो। और जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियो चैनल पे आती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय।